सो गाइस, फिलहाल कुछ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी लेके आ रहा हूँ मार्केट से, एंड दिखाता हूँ मैं आपको क्या लेके आया हूँ। ये है एक छोटा बॉक्स, इसके अंदर कुछ सामान है बाइक के लिए जो कि है पेटीएम की तरफ से। एंड ये बड़ा बॉक्स फ्लिपकार्ट से, इसमें मैंने खुद के लिए कुछ मंगवाया है। दोनों को मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग करते हैं बाइक वाले सामान की, क्या है इसके अंदर, उसे इंस्टॉल करते हैं बाइक पे और फिर आपको दिखाते हैं फाइनली। तो चलिए डायरेक्टली। इसमें है गाइस ग्रैंड पिट स्टॉप का मोबाइल होल्डर एंड चार्जर। तो इसे निकालते हैं इस पाउच से बाहर और कुछ इस तरीके से दिखता है इसका फर्स्ट लुक। एंड इसकी जो ये लेग्स हैं ये कम्प्लीटली मेटल की बनी है। एंड ये नीचे वाला जो रोटेटेबल पार्ट है ये बाइक पे लगेगा, जिसके बाद हम इसे रोटेट कर पाएंगे चारों तरफ। तो ये इसका जो कनेक्टर है ये कंप्लीट मेटल से बना हुआ है। एंड ये जो रोटेटिंग बॉल है ये प्लास्टिक की है। एंड साइड में इसके दिया हुआ है मोबाइल चार्जर जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। इसके साथ ऑन ऑफ का स्विच है एंड इसमें ब्लू कलर की एलईडी भी ब्लिंक होती है इंडिकेट करने के लिए। एंड साथ में इसमें ये जो केबल दी गई है एक्स्ट्रा, ये केबल है आपके चार्जर को बैटरी के साथ या फिर इग्निशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड ये जो स्पाइडर रबर है ये डबल प्रोटेक्शन के लिए है आपके फ़ोन की। अगर आप अपने फ़ोन को फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर माउंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऊपर से इस रबर को इस तरीके से चारों कॉर्नर पे फ़ोन की लगा देंगे तो डबल सिक्योरिटी बनेगी आपके फ़ोन की। आपका फ़ोन किसी भी कंडीशन में नहीं गिरने वाला है। तो इसके साथ में कुछ एसेसरीज भी हमें मिलती हैं, लाइक जैसे कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ये एक डबल साइडेड टेप वाला दिया गया है पैडिंग। ये एक्स्ट्रा जो टिप्स हैं ये हमें तब काम आएगी इन केस हमारे इस होल्डर के ऊपर जो टिप्स लगी हैं अगर वो गिर जाती हैं तो उस कंडीशन में हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे। एंड साथ में ये जो डबल साइडेड टेप वाला कुशन है ये यहाँ पे लगेगा, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक लगा हुआ है। तो ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग, अब चलिए करते हैं इसे बाइक पे फिक्स। तो गाइस, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट था उसकी तो अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है, एंड जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये रहा मेरे नेक के अंदर, हेडफोन है ब्लूटूथ हेडफोन। तो इनकी अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो दूसरे चैनल पे, टेक चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, टेक बाय ऋषभ पे, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल घर पे मैंने सोचा है, शाम का टाइम हो रहा है, बाहर जाके शूट करते हैं कहीं पे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बादल वगैरह हुए पड़े हैं। तो बाइक उठाई और बाहर निकल ली, अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट की कर ही दी है और अब आपके सामने खड़ी है बाइक, इस पे लगाते हैं उसको फिर चेक करते हैं कैसे काम करता है, क्या कुछ उसमें है। यहाँ पे इस तरह से माउंट कर देंगे, बाद में इसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग उधर उधर कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये स्क्रू दिए हुए हैं पीछे दो, तो इनसे एडजस्ट कर लेंगे। तो एक बार इसे फिट करते हैं यहाँ पे, फिर इसकी वायरिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए एक बार फिट कर लेते हैं इसे। वैसे इस वाले बोल्ट पर ये फिट नहीं हुआ, इसका जो पार्ट था मैकेनिज़म पार्ट था वो फिट नहीं हुआ। तो मैंने ये जो क्लच का ये वाला जो बोल्ट होता है, ये वाला जिसमें क्लच टाइट होती है, तो इसमें मैंने इसे टाइट कर दिया। ये देखो अब अच्छे से टाइट हो चुका है, हिल नहीं रहा है। अब इसमें हम फाइनली इसे माउंट करेंगे इस वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है ये इसकी हेल्प से ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट दोनों अटैच हो जाएंगे, तो उन्हें अटैच करते हैं। सो गाइज, ये कुछ इस तरह से फिट हो चुका है हमारा मोबाइल होल्डर अच्छे से। अब इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं लूज़ करके पीछे से उस वाले स्क्रू को। तो इसकी अब सारी फिटिंग हो चुकी है, बस ये वायर कनेक्ट करने वाली है।
इसको वैसे तो बैटरी के अंदर कनेक्ट करते हैं ज़्यादातर लोग, बट मैं इसको इसमें इग्निशन के साथ कनेक्ट करूँगा, तो उसके लिए इस लाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए लाइट को ओपन करते हैं। एंड एक और बात बता दूँ गाइज मैं आपको कि ये जो ग्रैंड पिट स्टॉप का ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी ने मुझे रिव्यू के लिए नहीं भेजा है, मैंने खुद ने अपने पैसे से परचेज़ किया इसे। अगर ग्रैंड पिट स्टॉप से अगर कोई देख रहा है, अगर इन फ्यूचर अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं ग्रैंड पिट स्टॉप से या किसी और ब्रांड से, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी रहेगा, वहाँ पे जाके आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल का जो अबाउट सेशन है उसमें भी मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैंशन रहेगा, तो वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वायर को यहाँ पे इग्निशन के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो जल्दी से एक बार इसे फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसकी वर्किंग। सो गाइज, फाइनली 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद लग चुका है ये ग्रैंड पिट स्टॉप का मोबाइल होल्डर। काफ़ी इजीली लग गया, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें वायर कटिंग वगैरह कुछ करनी नहीं पड़ी। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर्स का वो मैं देखता हूँ जो रिव्यू करते हैं, लाइक बुलेट गुरु जो भाई हैं जितेंद्र भाई, उन्होंने भी इसका काफ़ी बढ़िया रिव्यू किया हुआ है। बट उन्होंने क्या है, इसको डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। उससे दिक्कत क्या होती है, जैसे अपनी बाइक बंद खड़ी है, कोई भी आया आके इसके अंदर अपना चार्जिंग केबल लगा के इसे यूज़ कर सकता है। बट मैंने इसे कनेक्ट किया इग्निशन के साथ, जिसके ज़रिए जब तक चाबी नहीं लगेगी, यानी जब तक स्विच को ऑन नहीं करेंगे, तब तक इस चार्जर को यूज़ नहीं किया जा सकता। एक बार मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। सो गाइज़, यहाँ से हम स्विच को करेंगे ऑन, और इस तरफ यहाँ पर यह सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसके अंदर एक स्विच लगाया है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन करते ही आप देखेंगे इसमें ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ऑफ़ हो गया, और यहाँ से जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे, ऑन करते ही ऑन हो गया। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि हर कोई इसे यूज़ नहीं कर पाएगा, और जब बाइक रनिंग कंडीशन में हो और हम इस चार्जिंग पोर्ट का यूज़ ना कर रहे हो, तो हम इसे सिंपली ऑफ़ भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये वाटरप्रूफ बता रही है कंपनी, बाकी मैं इसे यूज़ करके इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा आपको। कोई भी बायस्ड रिव्यू नहीं है, जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा आपको बताया जाएगा, कुछ भी इसमें हिडन नहीं रहेगा। लेकिन गाइज, वाटरप्रूफ ये तभी होगा जब तक हम इसे बंद रखेंगे, यानी इसको खुला नहीं रखना है इस पोर्ट को। जब रेनिंग कंडीशन हो, बरसात आ रही हो, तो इसको बंद रखेंगे। अब ये वाटरप्रूफ है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, तो इजीली ये सेफ रहेगा। तो चलिए इसे रोड के ऊपर टेस्ट करते हैं। सो गाइज, मोबाइल को माउंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से इसे इस तरह से स्क्वीज करना है थोड़ा, और इस तरीके से लगा देना है। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे ये जो रबर दिया है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि डबल प्रोटेक्शन हो सके आपके मोबाइल की, गिरे ना। वैसे गिरने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी डबल दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है इससे। तो इस तरीके से लग गया। एंड यहाँ पे मैंने चार्जिंग केबल लगा दी है, और ये चार्जिंग वायर यहाँ से निकाली, थोड़ी बड़ी थी इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह एडजस्ट किया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें हमने लगा दी। तो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड अब फाइनली चलते हैं। सो गाइस, रोड पे निकल चुके हैं, एंड नेविगेशन में चला रहता हूँ इसमें। एक बार यहाँ पे डाल देते हैं पदमपुर। तो लीजिए, नेविगेशन स्टार्ट हो चुकी है, अब हमारी अच्छे से चल रही है, एंड फोन में भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली माउंट किया हुआ है। वाइब्रेशन हल्का सा, वो जो हैंडल बार के अंदर होता है वो तो हल्का सा फील हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन इतना तो चलता है। जब थ्रोटल करते हैं यानी थोड़ी स्पीड में चलते हैं, तब तो उस टाइम फील नहीं होता वाइब्रेशन बिल्कुल भी। और अभी मैंने पीछे ब्रेकर थे काफ़ी, वहाँ से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से थोड़ी स्पीड में निकाला, बट लगा नहीं मुझे कि गिर पाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से माउंटेड है। एंड साथ में चार्जिंग चल रही है, तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि नेविगेशन करते टाइम मैप में जब भी नेविगेशन करते हैं, उस टाइम क्या है, फ़ोन की जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। तो इसके अंदर क्या है, फास्ट चार्जर लगा है 2 एम्पियर का, तो इजीली ये चार्ज होगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
बहुत अच्छे से माउंट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 15-20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फिर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ कैसा इसने परफॉर्म किया। A few moments later. Guys, लगभग मैंने से चला लिया है 15-20 किलोमीटर और अभी तक काफी अच्छे से ये बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी अपने जो प्लान किया है जो लॉन्ग राइड उस पर जाएंगे तो और काफी अच्छे से ये टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल हम ड्राइव करने वाले हैं, अप एंड डाउन का सर्किल बनता है 600 किलोमीटर से प्लस का, तो 600 किलोमीटर के अंदर तो अच्छे से इसका टेस्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो जिन व्यूवर्स को पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया है क्योंकि फेसबुक पेज पे मेरे एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है, जिसके अंदर की मैंने पूछा है कि श्री गंगानगर से 300 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पे ऐसा कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अगर आपका गैस सही निकला, आपको उसके नीचे कमेंट करना है, तो आपके लिए मैं वहाँ से एक अच्छा सा गिफ्ट लेके ज़रूर आऊँगा। तो वो वाली पोस्ट आप नीचे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, आप एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया हमने प्रोडक्ट को एंड अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाइएगा RC17 व्लॉग्स को, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर डिसलाइक करते हैं तो नीचे रीज़न ज़रूर मैंशन कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों को, उन कमियों को सुधार सकूँ। सो मिलते हैं आपको एक बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।